नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश। आप देख रहे हैं यूट्यूब का क्रिक मास्टर चैनल। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला सिडनी में खेला जा रहा है। तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय टीम की पहली पारी 244 रनों पर सिमट गई है। भारतीय टीम 244 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है और इस तरह ऑस्ट्रेलिया के 338 रनों के मुकाबले भारतीय टीम 94 रन पीछे रह गई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 96 रन बनाए थे और इस तरह भारतीय टीम ने तीसरे दिन 148 रन बनाकर अपने 8 विकेट गवा दिए। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 338 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीव स्मिथ ने सबसे ज्यादा 131 रन की शानदार पारी खेली। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए और वहीं जसप्रीत बुमराह और नवदीप सैनी ने 2-2 विकेट चटकाए। और वहीं बात करें मोहम्मद सिराज की, तो उनको भी एक सफलता मिली जबकि एक बल्लेबाज रन आउट हुआ। भारत की ओर से रोहित शर्मा ने 26, शुभमन गिल ने 50, अजिंक्य रहाणे ने 22, हनुमा विहारी ने 4, ऋषभ पंत ने 36, चेतेश्वर पुजारा ने 50, रविचंद्रन अश्विन ने 10, नवदीप सैनी ने 4, जसप्रीत बुमराह अपना बिना खाता खोले आउट हो गए थे। और वहीं बात करें मोहम्मद सिराज की, तो उन्होंने अपने 6 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा जहां पे अपने 28 रन बनाकर अभी भी नाबाद बने हुए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि चार टेस्ट मैचों की सीरीज में फिलहाल 1-1 से बराबर है। एडिलेड में पहला मैच जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, वहीं मेलबर्न में दूसरा मैच भारतीय टीम ने जीतकर सीरीज को बराबर कर दिया है। फिलहाल चार मैचों की सीरीज में दोनों ही 1-1 की बराबरी पे बनी हुई है और अब बारी है लीड लेने की, यानी कि बढ़त हासिल करने की। इसके लिए दोनों ही टीमें जीतना जरूरी समझती है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।